हेलो स्टूडेंट, आज फिर से मैं आपके लिए इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स के अंतर्गत एक विषय लेकर आया हूँ, एक टॉपिक लेकर आया हूँ। और आज का जो हमारा ड्राइंग्स के रिलेटेड जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा, जैसा कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर दिया गया है, ड्राइंग उपकरण तथा सामग्री। मतलब ड्राइंग को बनाने के लिए हमें किस किस प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, मतलब कौन कौन से टूल्स का हम लोग उपयोग करते हुए ड्राइंग को बनाते हैं। तो कहने का ऐसा है कि ड्राइंग जो है ये कम्प्लीटली रेखा चित्रों के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब रेखा चित्रों के ऊपर इसको आधारित किया गया है। तो यह बिल्कुल जरूरी है कि जो भी रेखा चित्र हम बनाए वह कैसे हो, स्पष्ट हो, साफ सुथरे हो और सुंदर हो, तथा इन्हें साफ सुथरा, सुंदर और स्पष्ट दिखाने के लिए जिन उपकरणों का हमें यूज़ करना होता है, जिन उपकरणों का उपयोग करते हुए ड्राइंग को बनाना होता है, आज हम उन्हीं उपकरणों के विषय में, उन्हीं उपकरणों के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग जो होती है वह अभियंताओं की भाषा होती है, कहने का कि इंजीनियरों की भाषा कहलाती है। तो उसकी जो परिभाषा बनती है तो कुछ इस प्रकार से कि ड्राइंग एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से हम अपने विवेक से किसी वस्तु का रेखा चित्र हम अपने विचारों से उसको कल्पना करके कागज़ के ऊपर स्पष्ट दिखाने की कला को ही इंजीनियरिंग ड्राइंग कहा जाता है। ये उसकी डेफिनेशन थी, कुछ मेरे शब्दों में बुक्स में इसकी डेफिनेशन कुछ अलग प्रकार से दी गई है। तो ड्राइंग उपकरणों के बारे में पढ़ना है, तो ड्राइंग उपकरणों में मतलब कि ड्राइंग बनाते समय हमें कौन कौन से उपकरणों की जरूरत पड़ती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्राइंग बनाने के लिए हमें जो मेन उपकरण लगता है वह होता है ड्राइंग बोर्ड। सबसे पहला उपकरण ड्राइंग बोर्ड। अब ये ड्राइंग बोर्ड क्या है? ड्राइंग बोर्ड क्या होता है कि ड्राइंग बोर्ड जो होता है एक लकड़ी की पट्टी का उसे बना हुआ एक बोर्ड होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई और जो मोटाई होती है वह लंबाई का माप उसका अगर देखा जाए तो 1500 mm और चौड़ाई का मेजरमेंट यदि देखा जाए तो कम से कम 1000 mm और जो थिकनेस होती है उसकी मोटाई वह कम से कम 30 से 25 mm के बीच में उसकी मोटाई को सेट किया जाता है ना, जैसा आयताकार बॉक्स ब्लॉक होता है और उसके ऊपर ड्राइंग शीट को रखकर जो भी हमें ड्राइंग बनानी होती है वो ड्राइंग उसके ऊपर बनाया जाता है। तो ऐसे उपकरण को कहा जाता है ड्राइंग बोर्ड। उसके बाद दूसरे नंबर का जो उपकरण लगता है, जो इंस्ट्रूमेंट लगता है वो होता है टी स्क्वायर। तो ये टी स्क्वायर जो होता है, अभी आपको उपकरण में दिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ उनके बारे में आपको एक सूची बना रहा हूँ, उसकी एक लिस्ट बना के दे रहा हूँ आपको। फिर जब हमारी फिजिकल क्लासेज जब स्टार्ट होगी तो उस समय में क्या होगा कि जो उपकरण हमको उपयोग में लाना है उन सभी उपकरणों को आपको दिखाया जाएगा और उनको उपयोग कैसा करना है, उनका यूज़ कैसा करना है वो भी आपको सिखाया जाएगा ना। अभी सिर्फ सूची के हिसाब से बता रहा हूँ। दूसरे नंबर का जो उपकरण होता है वो होता है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर जैसा कि इसका नाम टी है, इसकी जो बनावट होती है वो अंग्रेजी के अक्षर टी के आकार की बनी होती है ना। इसकी जो बनावट अंग्रेजी का जो अक्षर होता है टी, उस अक्षर के आकार का इसको बनाया जाता है। जैसे मतलब एक ब्लेड होती है और एक उसका स्टॉक होता है, स्टॉक ऊपर की तरफ और ब्लेड लंबाई में, जैसे टी शेप में बना होता है, इसलिए उसका नाम टी स्क्वायर रखा गया। इस उपकरण का भी उपयोग करते हुए हमें ड्राइंग को बनाना पड़ता है। उसके बाद तीसरे नंबर का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो उपकरण है, वह है सेल स्क्वायर। ये जो सेट स्क्वायर होता है, आपने इसको यूज़ भी किया होगा, देखा भी होगा कि हमारा जो कंपास बॉक्स होता है उस कंपास बॉक्स में स्केल के साथ में कुछ इस आकार के जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जैसे ट्रायंगुलर आकार के वैसे इंस्ट्रूमेंट आते हैं कंपास बॉक्स के अंदर, और इसी के साथ में एक इंस्ट्रूमेंट और होता है इस टाइप से उसकी बनावट होती है। तो ये जो होते हैं उपकरण, ये कहलाते हैं टी स्क्वायर। को वो कंपास बॉक्स में छोटे साइज के होते हैं, परंतु आईटीआई में जो टी स्क्वायर हम लोग उपयोग करते यह भी प्लास्टिक के बने होते, और इनकी जो भी जो आकार होता है, जो साइज होता है, इन उपकरणों से मतलब जो पहले वाले सेट स्क्वायर होते हैं जो छोटे उनसे थोड़े बड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए अपने टी स्क्वायर सेट स्क्वायर।
वह रहेगा परका, परका है ना। तो परका मतलब होता है कंपास, परका कंपास। तो कंपास को सभी लोगों ने देखे हैं, जिसके अंदर पेंसिल को लगाते हैं और उससे हम क्या करते हैं, सर्कल बनाते हैं। सर्कल का जो विभाजन होता है वो करते हैं, किसी लंबी रेखा को विभाजित करना हो तो हम लोग कंपास का उपयोग करते हैं ना। तो ये कंपास, इसकी हमको आवश्यकता पड़ती है, जिसको परकार हिंदी में कहते हैं, कंपास उसका इंग्लिश का नाम है। कंपास के बाद अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वह है विभाजक, विभाजक मतलब डिवाइडर, डिवाइडर है ना। इसको भी हमने देखे थे, उसका भी उपयोग किया है डिवाइडर। ये अगला इंस्ट्रूमेंट डिवाइडर, ये डिवाइडर मतलब कंपास के साथ में ही रहता है। तो डिवाइडर का उपयोग उसी प्रकार से किसी रेखा को यदि कुछ खंडों में विभाजित करना हो तो इसके लिए हम लोग विभाजक का या डिवाइडर का उपयोग, विभाजक ही नाम रखा गया है, मतलब इससे क्या करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं किसी लाइन का, किसी सर्कल का, तो इसलिए डिवाइडर कहलाता है। ये हो गया विभाजक। विभाजक के बाद अगला जो बिंदु रहेगा, अगला जो उपकरण रहेगा वह रहेगा चांदा, चांदा इसको कहा जाता है प्रोटेक्टर, ये प्रोटेक्टर है ना। तो चांदी का उपयोग भी करना पड़ता है ड्राइंग के समय, ड्राइंग को बनाते समय, क्योंकि इसमें चांदी से क्या होता है कि हम एंगल एंगल को सेट करते हैं, 30 डिग्री का एंगल, 40 डिग्री का एंगल है ना, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो ये जो एंगल लेने होते हैं, तो ये एंगल लेने के लिए हमारे पास प्रोटेक्टर का होना जरूरी है। तो ये हो गया हमारे छः इंस्ट्रूमेंट। छः के बाद सातवें नंबर का इंस्ट्रूमेंट है आपका पैमाना, पैमाना इसको स्केल भी बोलते हैं, ये स्केल है ना, पैमाना स्केल। तो स्केल का उपयोग हमने किए हैं, और स्केल जो होती है प्लास्टिक की बनी होती है, फाइबर की बनी होती है, ठीक। तो इसके स्केल के बाद में फिर आते हैं नंबर एक पेंसिल, पेंसिल। तो पेंसिल है ना, तो पेंसिल मतलब ड्राइंग बनाने के लिए पेंसिल की हमको जरूरत पड़ती है, और पेंसिल के माध्यम से ही ड्राइंग को बनाया जाता है। परंतु आईटीआई में क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की पेंसिलों का उपयोग करना पड़ता है, अलग अलग टाइप की जो पेंसिलें होती हैं, HB, 4H, 2H, 3H, ये ग्रेड वाली जो पेंसिलें होती हैं, तो सभी प्रकार की, जितनी प्रकार की पेंसिलें होती हैं, उन सभी प्रकार की पेंसिलों का हमको इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में उसका उपयोग करना पड़ता है। तो ये पेंसिल होगी। पेंसिल के बाद में फिर आते हैं 9th नंबर ड्राइंग शीट, ड्राइंग शीट। तो ये ड्राइंग शीट जो है ये बहुत जरूरी है, ये ड्राइंग शीट है ना। तो ड्राइंग शीट की आवश्यकता पड़ती है ड्राइंग को बनाने के लिए, जिस कागज के ऊपर, जिसके जिस पन्ने के ऊपर हम लोग ड्राइंग बनाते हैं वह ड्राइंग शीट कहलाता है। फिर उसके बाद अंतिम जो है हमारा बिंदु वह है रबड़, रबड़ मतलब इरेजर, इरेजर रबड़। तो रबड़ भी क्या है, अच्छी क्वालिटी का रबड़ होना चाहिए, साफ सुथरा, मतलब थोड़ा सा महंगे ग्रेड वाला जो रबड़ होता है ना, उसका यूज करते हुए उनको ड्राइंग को बनाना होता है। ये 10 इंस्ट्रूमेंट थे ड्राइंग उपकरण के अंतर्गत, ड्राइंग सामग्री के अंतर्गत। ये 10 टाइप के, 10 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की हमको ड्राइंग बनाते समय आवश्यकता पड़ती है ना। तो ये ड्राइंग उपकरण का जो आज का हमारा टॉपिक था वो यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।